हेलो भाई, मैं हूँ सक्षम और आगे अपने खड़ी है भाई महिंद्रा की ये स्कॉर्पियो एन। अब ये गाड़ी को भाई बिग डैडी ऑफ एसयूवीज ऐसे ही नहीं कहा जाता, जो इसके डाइमेंशंस हैं वो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा हैं। और अगर बात करें प्राइस की तो भाई ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से लगभग आधे रेट पे हमें मिल जाती है। आज हम जिस गाड़ी के आगे खड़े हैं ये है भाई स्कॉर्पियो एन का बिग डैडी ऑफ एसयूवीज का बिल्कुल टॉप वेरियंट, लेकिन 4x4 में नहीं 4x2 में Z8 लग्जरी के आगे खड़े हैं। BS6 फेज 2 वाली जो महिंद्रा ने निकाली है जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करे हैं, उस गाड़ी के आगे आज हम खड़े हैं। देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है 2023 के अंदर। तो सबसे पहले फ्रंट लुक्स बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है, इनकी वर्टिकल स्पोक वाली ग्रिल है, साथ में फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है यहीं पर हमें देखने को मिल जाता है। बात करें अगर भाई हेडलाइट्स की तो हेडलाइट यूनिट कुछ इस तरीके की, यहाँ पर प्रोजेक्टर है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, इस तरफ इसका कॉर्नरिंग फॉग लैंप है, प्लस DRL है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की भी अगर बात करें तो 2 पॉइंट हमें देखने को मिल जाते हैं, बाकी लुक्स कुछ इस तरीके की है। आ जाए अगर साइड में तो साइड प्रोफाइल गाड़ी की ऐसी कुछ मिल जाती है, यहाँ से क्लैडिंग रनिंग शुरू होती है और पूरी पीछे तक जाती है, यहाँ पर साइड स्टेप BMA कंपनी से ही देखने को मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। आ जाए अगर भाई इसके अलॉयज की तरफ तो गर्मी भाई ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी, उसके लिए अभी से सॉरी। बात करें अगर भाई अलॉयज की तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और अगर बात करें प्रोफाइल की तो भाई हमें 255/60 R18 देखने को मिल जाती है। आ जाए अगर इस तरफ तो ORVM बॉडी कलर मिलता है, साथ में टर्न इंडिकेटर यहीं पर मिल जाता है। इस तरफ भाई बॉडी कलर हमें मिलता है इसका डोर हैंडल, साथ में क्रोम स्ट्रिप और ये रिक्वेस्ट सेंसर। अब रिक्वेस्ट सेंसर की बात आई है तो देख लेते हैं चाबी। चाबी कुछ इस तरीके की है, यहाँ पर हमें महिंद्रा का लोगो, लॉक अनलॉक का बटन बूट ओपनिंग फीचर के साथ, बाकी ये इस तरीके की फ्लिप की है जो कि किसी काम की नहीं, क्योंकि सेंसर पुश स्टार्ट बटन सब कुछ देखने को मिल जाता है, बाकी पीछे से कुछ इस तरीके की। अब आ जाए यहाँ पर तो ऐसी कुछ लुक मिल जाती है, यहाँ पर हमें इस तरीके की इसकी टेल लैंप मिलती है जो कि लगभग यहाँ से यहाँ तक की जलती है, ऊपर का पार्ट भाई जलता नहीं है। यहाँ पर अपने को मिलता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप, इस तरफ रियर डिफॉगर वाइपर, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना है, प्रॉपर एक स्पॉइलर दिया गया है, साथ ही साथ रूफ रेल्स भी हमें मिल जाती हैं। इस तरफ भाई इसका ये वाइपर भी थोड़ा सा ऐसा है जो कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं भी लगता। खैर बीच में महिंद्रा का ये नया सा लोगो, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग और इस तरीके का पूरा माहौल। यहाँ पर अगर देखें तो इसका ये रिवर्स पार्किंग जो लाइट जल जाती है वो इस तरफ है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की अगर बात करें तो हमें 1, 2, 3 और 4 मिलते हैं, साथ ही साथ अगर बात करें इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की तो वो यहाँ पर मिलता है, और साथ में ये चीज भी हमें मिल जाती है यहाँ पे क्रोम में, और यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर है। अब जो चीज मैं कह रहा हूँ BS6 फेज 2 में चेंज हुई है, तो सबसे पहले भाई बूट खोल लेते हैं, यूजुअली आगे से शुरू करते हैं, आज यहां से देख लेते हैं। तो पहले भाई बूट थोड़ा सा ऊपर नीचे था, अनइवन था, लेकिन ये फेज 2 वाले अपडेट में महिंद्रा ने अपना बूट पूरा स्ट्रेट कर दिया। मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये इसकी सीट ऊपर कर देते हैं, एक मिनट भाई, सीट हो गई है प्रॉपर ऊपर, और यहाँ पर ये जो बूट था पहले ऊपर नीचे था लेकिन अब प्रॉपरली सीधा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी कि फ्लैट बेड बनाने की कोशिश करी है लेकिन पूरा बना नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर ये सीट ऐसे साइडों में नहीं जाती, सिर्फ ऊपर ही उठती है। एक बार इसको वापस से खड़ा कर देते हैं क्योंकि अंदर जाके स्पेस वगैरह भी तो देखना है हमने। खैर खड़ी करने के बाद इतना कुछ स्पेस बच जाता है, लगभग पूरी ही आ जाती है, थोड़ा बहुत स्पेस ही है, बाकी यहाँ पर थोड़ा कर्व सा दिया गया बैग वैग रखने के लिए। इसको करते हैं बंद, चलते हैं भाई आगे की तरफ, खोल के देखते हैं इसके गेट को। तो सबसे पहले डोर पैड पहले की तरह ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर ब्राउन कलर मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल है, ORVM फोल्ड एंड फोल्ड एडजस्ट सब कुछ यहीं से हो सकता है। पियानो ब्लैक की फिनिश है, क्रोम डोर हैंडल सैटिन फिनिश में, यहाँ पर ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस, स्पीकर, साथ में ट्विटर। अब यहाँ पर सेंटर में हमें मिलता है, क्योंकि भाई ये इसका टॉप मॉडल है Z8L नाम से, तो सोनी का 12 स्पीकर का इसमें हमें सेट मिल जाता है। खैर अगर ड्राइवर साइड सीट देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है ये भी। इस तरफ अगर देखें तो हमें सबसे पहले अंदर जाते ही हेडलाइट लेवलर मिलता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और पार्किंग को यानी कि फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। बंद करते ही ये प्यारी सी थर्ड और व्यू कुछ इस तरीके का, क्लियरली अपनी पूरी बोनेट लाइन विजिबल है। यहाँ पर अगर देखें तो अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है, डे नाइट टायर भी है, मैनुअल है, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है। इस तरफ अगर देखें तो टिकट होल्डर मिल जाता है इस सनशेड पर, इस तरफ भाई हमें सनग्लास होल्डर मिलता है अच्छी खासी पैडिंग के साथ। यहाँ पर इसकी ये छोटी सी सनरूफ, खैर छोटी तो नहीं है, अच्छी खासी बढ़िया है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले गाड़ी को करते हैं भाई एक बार इग्निशन पर। तो गाड़ी हो गई है स्टार्ट, इग्निशन पे भी क्या भाई स्टार्ट ही हो गई है। और भाई थोड़ा सा मैं भी यार परेशान हो गया, मैंने कोई ब्रेक नहीं दबाई, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने स्टार्ट स्टॉप दबाया और देखो पार्किंग पर है, फिर से स्टार्ट हो गई, आपके आगे है, ये देखो ऑफ करी, ठीक है ब्रेक पे पैर नहीं है, ये इधर रख लेता हूँ, ये भी इधर रख लेता हूँ, ठीक है लो अल्ट्रा वाइड कर देता हूँ, ये देखना स्टार्ट हो रही है भाई। पता नहीं या तो इसका सिस्टम ऐसा या क्या है, मेरे को भाई मैं तो पर्सनली पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। चलो भाई अच्छी चीज़ है अगर हो जाती है, बाकी आप लोग मेरे को अरे यार
आप लोग भाई कमेंट्स में बताना क्या इसमें फीचर है या कोई दिक्कत है जो इस गाड़ी में आ रही है। खैर अगर बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो इस तरफ हमें स्पीडोमीटर मिलता है, इस तरफ टैकोमीटर मिलता है, बीच में अपनी MID मिलती है जिसको कंट्रोल भाई हम यहीं से कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर ही हमें सारे इसके ऑप्शंस कंट्रोल करने के मिल जाते हैं। यहां पर अगर देखें तो DEF लेवल दिखा देता है, फ्यूल इकोनॉमी दिखा देता है, रेंज वगैरह और बाकी सारी चीजें भी हमें भाई तमाम फीचर दिखा देता है। बात करें अगर सेफ्टी की भी तो अच्छे खासी सेफ्टी यानी कि ABS, EBD, ESP सब कुछ हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। सेंटर कंसोल पहले की तरह ही, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेन फर्क भाई यहां पर आ जाता है दो कप होल्डर, वो जो 4x4 वाली है उसमें रोटेटरी स्विच है उसको हटा के भाई 4x2 में हमें यहाँ पर कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, वरना वहां पर एक कप होल्डर है साथ में वो स्विच सा मिलता है। इस तरफ इसका टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स है जो कि कुछ इस तरीके का लगता है। यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह नहीं देखने को मिलता 4x4 वाली में, हालांकि ये आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो USB का ऑप्शन है चार्जिंग का और USB का। एक सबसे बड़ी कमी स्कॉर्पियो N में भाई कोई भी इसमें 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट नहीं है, थर्ड रो में है सिर्फ, बिल्कुल पीछे में, लेकिन ना सेकंड रो में है ना ही आगे में है। आगे में अगर चार्ज करना है सिर्फ एक ऑप्शन है, दूसरा आपका एप्पल कारप्ले वाला है, और इधर भाई सेकंड रो में टाइप सी है, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। खैर अगर देखते हैं डैशबोर्ड तो इतनी कुछ छोटी सी स्टोरेज है, स्कॉर्पियो N की बैजिंग है, ये पूरा भी लेदर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। बात करें अगर वापस से इधर की तो ड्यूअल हमें क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। यहाँ पर इंफोटेनमेंट को अपना सेटिंग्स करने के लिए नॉब वगैरह दिए गए हैं। आज अगर नीचे तो SOS का बटन है। यहाँ पर भाई हमारा कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, और कैमरे की क्वालिटी देखो कितनी घटिया है, बिल्कुल चाइनीज कैमरा दिया महिंद्रा ने। इसमें भाई थोड़ा सुधार हो सकता था। हजार्ड लाइट का स्विच है, यहाँ पर ट्रैक्शन का बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल और ड्राइव मोड, जिप जैप जूम जो इसमें है, बाकी बाय डिफॉल्ट ये जैप पर ही रहता है जब भी स्टार्ट होती है गाड़ी। और मेन चीज भाई जो मैं आपको कह रहा था कि सनरूफ में इसके अपडेट आया है, तो वो अपडेट है ये। पहले यहाँ पर भाई जो खोखली हुआ करती थी, जो कहते थे कि पानी वगैरह चला जाएगा, अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये पूरी महिंद्रा ने फोम भर दिया बढ़िया से, तो अब ऐसी कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता इसमें आने वाली है। खैर अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ, गाड़ी में सबसे पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि इग्निशन पर ही करनी थी, पहले भी स्टार्ट हो गई थी। चलते हैं भाई पीछे की तरफ, देखते हैं आखिर कितना स्पेस मिलता है हमें इस गाड़ी की बैक सीट में। उन सब में खैर कोई चेंज नहीं है, वो पहले की तरह ही है। डोर खोलते ही डोर पैड कुछ इस तरीके का है, ड्यूअल टोन में, ब्लैक और ब्राउन। यहाँ पर लेदर ट्रीटमेंट, पियानो ब्लैक की फिनिश, सैटन डोन हैंडल, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर स्पेस, स्पीकर, साथ ही साथ भाई इसका ट्विटर भी कहीं ना कहीं होगा, वैसे तो वो रहा ऊपर की तरफ दिया गया है। बात करें स्पेस की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी स्पेस है, नीचे भी पैर वगैरह स्ट्रेच आउट कर सकते हो। शोल्डर रूम भी कोई दिक्कत नहीं है, तीन लोग भाई आराम से बैठ सकते हैं। पीछे अगर बात करें हेडरेस्ट की तो यहाँ पर हमें एक दो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बीच वाला फिक्स मिलता है, यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट मिलता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ, आगे के भी जो दोनों हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिलते हैं। पीछे की भी बात करें तो हमें भाई दोनों ही एडजस्टेबल मिलते हैं। अब मैं पीछे जाकर दिखाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि ये ऑब्वियसली पैसेंजर्स के लिए नहीं होता, ये एक तरीके से बच्चों के लिए ही होता है, और बच्चे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बड़े लोग ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्टेबल रह भी नहीं सकते। यहाँ पर भाई छोटा सा ये ग्रैब हैंडल मिलता है, इस तरफ भी ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल तो क्या है, फोन वगैरह आप इसमें रख सकते हो, और तो इसमें क्या ही आएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी, यहाँ पर भाई स्पीकर्स तो पीछे मिल जाते हैं सर पे, लेकिन थर्ड रो के पैसेंजर्स को कोई रियर AC वेंट नहीं मिलता, और साथ में भाई सेकंड रो वाले पैसेंजर्स को कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता, चार्जिंग पॉइंट के नाम पे सिर्फ टाइप सी का ये मिलता है और कुछ भी नहीं है। तो ये दिक्कतें महिंद्रा को सॉल्व करनी चाहिए थी फेस टू वाली में, लेकिन अभी तक करी नहीं है। खैर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें मिलता है इसका रियर AC वेंट्स पर भी भाई अपना ब्लोअर कंट्रोल करने के लिए, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए रोटरी स्विच सा मिल जाता है। बात करें हेडरूम की तो इतना कुछ हेडरूम मिल जाता है अगर 5-11 का बंदा आपकी गाड़ी चलाता है तो। अब चलते हैं भाई बाहर, बात करते हैं इसके इंजन की के हुड को, और देखते हैं कि आखिर कैसा दिखता है इसका 2.2 लीटर का डीजल इंजन। लेकिन उससे पहले जो एक चीज रह गई है वो है भाई इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस गाड़ी में हमें देखने को मिलती है 187mm की ग्राउंड क्लियरेंस, और अगर आप 4x4 वाली नहीं ले रहे, अगर आप जा रहे हो इस पे, तो आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ ये गाड़ी मिलने वाली है। और मोनोकॉक चेसी इसकी नहीं है, दूसरी वाली खोलता हूँ। पहले खुल गया भाई इसका बोनेट, और डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। प्रॉपर यहाँ पे पैडिंग दी गई है क्योंकि महिंद्रा को पता है थोड़ा बहुत शोर करने वाला है इंजन, तो पैडिंग दे देते हैं ताकि अंदर ज़्यादा शोर ना आए। खैर इस तरीके का दिखता है भाई इस गाड़ी का 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि निकाल के देता है 172 BHP और 400 Nm का टॉर्क। साथ ही साथ भाई बैटरी भी इसकी इतनी बड़ी क्योंकि डीजल इंजन है। और ABS यूनिट की बात करें तो इस तरफ हमें देखने को मिल जाता है। वॉशर फ्लूइड डालने के ऑप्शन की बात करें तो आगे आ गया है, लेकिन एक चीज़ है भाई गाड़ी की हाइट इतनी बड़ी है कि ये देख लो, बिल्कुल यहाँ पे मेरे को, मतलब ये मेरा सर का लेवल ये है। इस गाड़ी की हाइट भाई लिटरली 6 फीट से भी ज़्यादा लंबी है, 5'11" की मेरी हाइट है, और मुझे भी ये गाड़ी इतनी ज़्यादा मैसिव लग रही है कि बिग गाड़ी ऑफ SUV बोलने पे मैं भी मजबूर हो गया हूँ। खैर अगर बात करें भाई इस गाड़ी के प्राइस की तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है BS6 फेज 2 में। ओनर को भाई ये गाड़ी मार्च 2023 में, आज से लगभग 2 महीने पहले ऑन रोड पड़ी है,
25,80,000 रुपए की, कहां पहले भाई 26 लाख रुपए में 4x4 आ जाया करती थी, लेकिन अब 26 लाख रुपए में BS6 Phase 2 में आपको 4x2 ही मिलेगी। 4x4 अगर चाहिए तो 2-4 लाख रुपए आपको ऊपर खर्च करने पड़ेंगे महिंद्रा का, भाई ऐसा क्लियरली कहना है इंडियन मार्केट को या फिर इंडियन कस्टमर्स को। चलो ठीक है भाई, इतने रखते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, बाकी यहां तक वीडियो देखिए तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इतने रखते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, यहां तक आने के लिए थैंक यू सो मच भाइयों, बाय बाय।